नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आज आपके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को समझाऊंगा और साथ ही उसके शॉर्टकट को भी बताऊंगा बाद में, जिससे कि आपको उसको याद रखने में आसानी रहेगी। ये कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके शॉर्टकट्स को आज हम समझेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। शुरू में एक बार आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें कि डक्ट होती है और ये हार्मोन्स, माफ़ कीजिएगा, एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं जो कि ऑर्गन में जाता है। मुख्य एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं लैक्टिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एक्सेट्रा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं और हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। मुख्य हैं इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पहले आपको बता दूं कि ये स्फेनॉइड बोन जो कि फोर हेड की होती है, इसके डिप्रेशन में स्थित होती है। इसका वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है, यानी कि एक मटर के दाने के बराबर आप कह सकते हैं, और भारी। साथ ही इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला पहला मुख्य हार्मोन है एसटीएच, जिसकी फुल फॉर्म है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है और विशेषकर हड्डियों को, और इसकी अधिकता से जाइगेंटिज्म बीमारी हो जाती है, और अगर यही हार्मोन कम निकलता है तो डॉर्फिज्म बीमारी हो जाती है। जाइगेंटिज्म में व्यक्ति का कद बहुत अधिक बढ़ जाता है और डॉर्फिज्म में व्यक्ति का कद बहुत अधिक छोटा रह जाता है, तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा निकलने वाला मुख्य हार्मोन है टीएसएच, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तीसरा है एसीटीएच हार्मोन, जो कि है एड्रिनो कॉर्टिकोटोफिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चौथा जो हार्मोन निकलता है वो है जीटीएच हार्मोन, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और ये गोनेट्स यानी कि जो जननांग होते हैं इनको कंट्रोल करता है, फंक्शन को इनके। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है एफएसएच हार्मोन, जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है इसको ये नियंत्रित करता है, इसको उद्दीपित करता है, और महिलाओं में ये उद्दीपित करता है ग्रेफिन फॉलिकल को, जो कि ओवरी में होता है, उससे ऑस्ट्रोजन नामक हार्मोन को रिलीज करने के लिए। एलएच 4.2 जो मैंने लिखा है, इसमें एलएच हार्मोन जो है दूसरा, यह है ल्यूटिनिन हार्मोन। ये आदमियों में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है फीमेल में, ये सेक्स के हार्मोन है। इसके बाद पांचवा जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है एलटीएच हार्मोन, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन, और इसके सिक्रीशन से महिलाओं के स्तनों में इन्फेंट्स के लिए मिल्क बनता है। और अगला हार्मोन जो लास्ट हार्मोन है इसका है वो एडीएच, यानी कि एंटी डायुरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ जाता है थोड़ा सा। इसके बाद उसमें बॉडी बॉडी में जो है वाटर बैलेंस इसको करता है, ये यानी कि पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है और जो यूरिन है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करता है ये हार्मोन। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो यहाँ मैंने सीक्वेंस को थोड़ा ऊपर नीचे किया है, जो 5, 6, 3, 2, 3, 4 जिस सीक्वेंस में मैंने समझाया तो सीक्वेंस में नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर नीचे कर दिया है, और इनसे मिलते जुलते शब्द जो मैंने नीचे आपको बनाए हैं वो आराम से आप समझ सकेंगे। प्यारे से मैंने बनाया है पिट्यूटरी, तो अगर आप देखेंगे तो प्यारे लिटिल एडम स्टार्ट दिस अच्छी घंटी, तो एलटीएच का लिटिल, एडीएच का एडम, एसटीएच से स्टार्ट, टीएसएच से दिस, एसीटीएच से अच्छी, और जीटीएच से घंटी, और प्यारे का पिट्यूटरी। तो अगर इन सबको मिला करके हम पढ़ेंगे तो हमको सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे है समझाने के क्रम का, लेकिन इससे आपको सारे हार्मोन्स आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। प्यारे लिटिल एडम स्टार्ट दिस अच्छी घंटी। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन से जो दो निकलने वाले हार्मोन हैं वो है एफएसएच और एलएच। इसके बारे में जो शॉर्टकट है अगर आप देखें तो मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, गॉट फिश लैम्प, तो जीटीएच का गॉट, एफएसएच का है फिश, और लैम्प का है एलएच। तो अगर आप देखेंगे गॉट फिश लैम्प, इसके लिए एक और मैंने बनाया है वो है, अगर इसके फुल फॉर्म को अगर हम पढ़ें तो हमको दिखाई पड़ता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनिन हार्मोन। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो कलर से वर्ड है उससे मिलेगा आपके लिए कि ग्वार फली लुटे,
और ग्वार फली सस्ती लुटे। अगर आप एसटीआई को भी ले लेते हैं सस्ती, तो ग्वार की फली जैसा आप जानते होंगे कि काफ़ी खाई जाती है ग्वार की फली, तो उससे मिलता जुलता आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि ग्वार फली लुटे और ग्वार फली सस्ती लुटे। मुझे उम्मीद आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो आपका इंतजार कर रहे हैं मेरे चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोज़ देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।